नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करते हैं मेरे YouTube चैनल गौतम अकेडमी आरपीएससी जीके पर। राजस्थान भूगोल के बारे में अपने अध्ययन कर रहे थे और राजस्थान भूगोल में अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान की स्थिति, विस्तार और आकार। कल हमने स्थिति और विस्तार के बारे में जिक्र किया था, आज हम आकार और सीमा के बारे में जिक्र करेंगे राजस्थान। सबसे पहले बात करते हैं आकार। राजस्थान का आकार, राजस्थान के आकार की अगर बात की जाए तो राजस्थान का जो आकार है वो या तो आप कह सकते हो विषम कोणीय है चतुर्भुज, या कह सकते हो पतंगा का। यानी आकृति जो है वो राजस्थान की कैसी है, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान या पतंगाकार आकृति, उसके बारे में बात करते हैं कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसके बारे में। राजस्थान का क्षेत्रफल 342,239 वर्ग किमी। इसकी बात करते हैं 342,239 वर्ग किलोमीटर। कई बार ये क्षेत्रफल जो है वो वर्ग मील में भी पूछ लिया जाता है, ध्यान में रखना 132-140 वर्ग मील क्षेत्रफल जो है वो राजस्थान का। उसके बाद में बात करते हैं अपने ये जो क्षेत्रफल है वो कुल देश के क्षेत्रफल का 10.41% भाग, यानी देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान का क्षेत्रफल है, 10.41% भाग। उसके बाद बात करते हैं अपने इसी क्रम में कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उनकी अन्य देशों से तुलना या कंपैरिजन, तुलना में बात करते हैं कुछ विशेष देशों के नाम ध्यान में रखने हैं। कई बार यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इन दोनों में से, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, और तुलना में देखते हैं नॉर्वे, फिनलैंड, वियतनाम और कांगो। नॉर्वे, फिनलैंड, वियतनाम और कांगो, इनके तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो लगभग समान है, बराबर। न्यूजीलैंड और ब्रिटेन जो है, यानी न्यूजीलैंड और यूके के क्षेत्रफल के लगभग 1.5 गुना यानी 1.5 गुना बड़ा है राजस्थान का क्षेत्रफल। नेपाल और बांग्लादेश की बात करें तो 2.3 गुना बड़ा है राजस्थान से। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, और स्विट्जरलैंड से बात करें तो 8 गुना बड़ा है, और इजराइल से बात करें तो 13 गुना क्षेत्रफल ज्यादा है राजस्थान का। तो एक बार ये कंपैरिजन जो अन्य देशों से की गई वो भी ध्यान में रखना, इजराइल से 13 गुना, स्विट्जरलैंड से 8 गुना, श्रीलंका से 5 गुना, नेपाल और बांग्लादेश से 2.3 गुना, और न्यूजीलैंड और ब्रिटेन की बात करें तो 5 गुना, नॉर्वे, फिनलैंड, वियतनाम, कांगो की बात करें तो लगभग इनके क्षेत्रफल समान है। इसी क्रम में एक बार दोबारा देखते हैं राजस्थान का आकार जो है वो विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है या पतंगाकार कह सकते हैं। क्षेत्रफल की बात करें 342,239 वर्ग किलोमीटर, अगर वर्ग मील में पूछ लिया जाए तो 132-140 वर्ग मील, और देश के कुल क्षेत्रफल का 10.41%, और अन्य देशों से तुलना इस प्रकार से अभी मुझे बताई है, इस सबको नोट करो। इससे आगे की बात करते हैं, इसी क्रम में आगे अपने बात करते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान के जिलों का जो क्रम है उसके संबंध में बात करते हैं। आकृति में ये बात है, बात करते हैं एक तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिलों की और एक न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिलों की, यानी क्षेत्रफल के आधार पर दो भागों में डिवाइड करेंगे इनको, सर्वाधिक वाले और न्यूनतम वाले। सर्वाधिक सर्वाधिक क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो कई बार सीधा सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला पूछ लिया जाए, इसके अलावा एक बार कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि निम्न जिलों को क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो या आरोही क्रम में व्यवस्थित करो, इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछ लिए जाते हैं। तो अपने उसकी बात करते हैं,
सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिलों में एक नंबर की बात करें, जैसलमेर सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, दो नंबर। बाड़मेर तीन नंबर। बीकानेर चार नंबर। जोधपुर और पांच नंबर। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिलों का क्रम है ये, और क्रम की बात करें तो कौन सा क्रम है, जिलों को कौन से क्रम में व्यवस्थित किया क्षेत्रफल के आधार पर? अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया, यानी सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला, उससे कम क्षेत्रफल वाला, उससे कम क्षेत्रफल वाला, ये अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया। सबसे ज्यादा जैसलमेर का है, इसका आंकड़ा याद रख लेना, 38,401 वर्ग किमी, जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 11.22%। दूसरी बात, इसी में अगर पूछ लिया जाए, इन्हीं चार जिलों को दे दिया जाए या पांच जिलों को दे दिया जाए और उसके बाद पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल के आधार पर निम्न जिलों को आरोही क्रम में पूछो, व्यवस्थित करो, तो उसका यही पूछा है कि इसमें सबसे कम वाला, उससे अधिक, इसी क्रम में व्यवस्थित कर रहे हैं। ये तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर रहे हैं। उसके बाद अपने बात करेंगे क्षेत्रफल के आधार पर जिलों का आरोही क्रम। आरोही क्रम की बात करें या न्यूनतम की बात करें, तो वो पूछ रहा है कि सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले, आरोही क्रम की बात करें तो आरोही क्रम वाले जो जिले हैं उनकी बात करेंगे, यानी सबसे कम राजस्थान में क्षेत्रफल वाले जिले की बात करें तो धौलपुर, उससे थोड़ा बढ़ते क्रम की बात करें, आरोही क्रम का मतलब सबसे छोटा और बढ़ते की ओर, सबसे कम धौलपुर, उसके बाद दौसा, फिर डूंगरपुर, फिर राजसमंद और फिर प्रतापगढ़। और धौलपुर की बात करें तो इसका आंकड़ा भी ध्यान में रखना है आपको, सबसे छोटा है इसलिए धौलपुर 30-34 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो कुल राजस्थान के क्षेत्रफल के 0.89% भाग पर फैला है। उसके बाद अपने बात करते हैं कि ये जो जिले हैं उनको एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जैसे इसके लिए एक ट्रिक बनाई है, जैसा बाढ़ बिजोना, जैसा बाढ़ बिजोना, यानी जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और नागौर, इसकी बात करें न्यूनतम क्षेत्रफल वाले की, दो डूंगर राजपुर, यानी धौलपुर बड़ा तो याद रखना पड़ेगा आपको, सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल के आधार पर वो धौलपुर है, 30-34 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और उसके बाद में बात करें तो अगले तीन चार जो जिले हैं वो क्रम में याद करने के लिए दो डूंगर राजपुर ये एक ट्रिक याद कर लेना, जिसमें दौसा, डूंगरपुर, राजसमंद और प्रतापगढ़। इसके आगे अपने बात करते हैं राजस्थान की सीमाओं की, सीमा की अगर बात की जाए, सीमाएं दो प्रकार की होती है, एक सीमा जो स्थलीय भाग से जुड़ी होती है वो स्थलीय सीमा, और एक जलीय भाग से जुड़ी होती है वो तटीय सीमा या फिर जलीय सीमा। बात करें स्थलीय सीमा की, राजस्थान के संदर्भ में अपने को स्थलीय सीमा ही पढ़नी है,
और तटीय सीमा की बात करें तो तटीय सीमा के संदर्भ में आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है कि जैसे भारत ये राजस्थान यहां है और यहां एक बंदरगाह है गुजरात के अंदर कांडला, ये ध्यान में रखना है कि तटीय सीमा, एक बात ध्यान में रखना, तटीय सीमा राजस्थान की नहीं लगती, लेकिन कांडला बंदरगाह जो है वो राजस्थान का सबसे नजदीकी बंदरगाह, सबसे निकटतम बंदरगाह है। तटीय सीमा में एक ही बात रखनी याद रखना। बात करते हैं स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा की बात करें तो स्थलीय सीमा को दो भागों में डिवाइड किया गया है, कैसे, एक सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा, और एक अंतरराज्य सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय यानी वो सीमा जो किसी दूसरे देश के साथ लगने वाली सीमा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराज्य की सीमा यानी अपने देश के दूसरे राज्यों के साथ स्पर्श होने वाली जो सीमा है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा के नाम से जानी जाती है। अपने राजस्थान के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय सीमा की भी बात करेंगे और अंतरराज्य सीमा की भी बात करेंगे। सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा। राजस्थान की सीमा के संदर्भ में बात करेंगे तो राजस्थान की कुल जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई है 5920 किलोमीटर, यानी 5920 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है राजस्थान की सीमा की, जिसमें से अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 1070 किलोमीटर, यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर। और अंतरराज्य सीमा की अगर बात करें तो अंतरराज्य सीमा की लंबाई है बाकी शेष बची हुई 4850 किलोमीटर। सबसे पहले बात करते हैं अपने अंतरराष्ट्रीय सीमा की। अंतरराष्ट्रीय सीमा राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करेंगे तो गंगा नहर का हिंदमल कोट स्थान है, गंगा नहर हिंदमल कोट से लेकर के बखासन स्थान है बॉर्डर में, यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगी हुई है वो हिंदमल कोट से लेकर के और बाखासर तक है। इस सीमा की जो लंबाई है वो 1070 किलोमीटर। पहला क्वेश्चन कई बार ये पूछ लिया जाता है। दूसरी बात करें अंतरराष्ट्रीय सीमा के निर्धारण की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय सीमा का जो निर्धारण किया गया था वो एक आयोग था, रेडक्लिफ आयोग। उस रेडक्लिफ आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 17 अगस्त 1947 को, 17 अगस्त 1947 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और इस आयोग में सदस्य थे, उनमें अध्यक्ष तो था सर सिरिल रेडक्लिफ, ये तो अध्यक्ष थे। इसमें से दो सदस्य जो है वो तो कांग्रेस के द्वारा विरोधी थे, और दो ही सदस्य विरोधी थे वो मुस्लिम लीग के द्वारा, दो सदस्य मुस्लिम लीग के द्वारा, दो कांग्रेस के द्वारा। इस प्रकार से एक आयोग बनाया गया था रेड क्लिप, उसके तहत इस सीमा का निर्धारण किया गया। अपने बात अंतरराष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के जिलों की अगर बात करें अपने तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, कितने जिले स्थित है, 4 जिले स्थित है। सीधा क्वेश्चन इनमें दो प्रकार के क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन तो यह बनेगा कि कौन सा जिला सीमा पर है या कौन सा जिला सीमा पर नहीं है। दूसरी प्रकार का जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है इसी में से कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जिलों को उत्तर से दक्षिण में या दक्षिण से उत्तर में क्रम में व्यवस्थित करो। या एक क्वेश्चन और बनता है वो ये बनता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित निम्न जिलों को लंबाई के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करो या आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। ये अच्छा क्वेश्चन बनता है।
बात करते हैं, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अंतरराष्ट्रीय सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है या न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ ले तो हल हो ही जाएगा इसमें से। अगर इनको क्रम में व्यवस्थित करना पूछ ले तो इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है कि कर्म जो है वो, ये कौन सा कर्म बता रहा हूं मैं, अवरोही कर्म बता रहा हूं। अवरोही कर्म में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो जैसलमेर की है, 464 किलोमीटर है। उसके बाद करते हैं बात दो नंबर पर बाड़मेर, जिसकी 228 किलोमीटर है। तीन नंबर पर बात करते हैं गंगानगर, 210 किलोमीटर है। और फिर बात करते हैं बीकानेर, 168 किलोमीटर। ये अगर इसी में से पूछ ले निम्न जिलों को अंतरराष्ट्रीय सीमा पर लंबाई के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करो, तो इसका मतलब ये पूछ रहा है कि सबसे कम वाला सबसे पहले लेना है, तो बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर, इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही करेंगे, अंतरराष्ट्रीय सीमा की अन्य बातें, पाकिस्तान के साथ लगने वाले प्रांत जिलों की बात करेंगे, अंतरराज्य सीमा की बात करेंगे अगले वीडियो में। उससे पहले मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंचता रहे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद भाई साहब। आपको जो भी बात कहनी हो, हमारे पढ़ाने में जो भी कोई कमियां रही हो और सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक भी करते रहें। धन्यवाद।